या आ गया घोड़े वाला भैया। भैया आपको अपने चलाने के लिए देंगे, ठीक है? अरे है हमारे गांव में घोड़ा चलाता हूँ मैं। आपको अपने देंगे, अच्छे से घुमाएंगे भैया जी, ठीक है? आइए। घोड़े पे एक बार बैठता है लेकिन मैं कई बार बैठ चुका हूँ पहले ही। आइए ट्राई कीजिए भैया इस बार एक बार, देखिए बुलेट पे, ठीक है? बुलेट कितने रुपए सवारी? 300 पर मेंबर, ठीक है भैया? अच्छे से घुमाएंगे, अच्छे से जी खुश। वो कराची में भी हुआ था, वो कौन सा व्लॉगर था उसके साथ? चले कहाँ? वापिस भैया, घूम लीजिए, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? ऊँट के कितने लेते हैं? ऊँट का भी सेम प्राइस, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। आइए भैया, ये चेत सिंह घाट बनारस के राजा का किला है भाई, जो बनारस के राजा हुआ करते थे ना पुराने समय में, उसका किला है ये देखिए। और इसी के साथ आपकी एक नए व्लॉग में शुरुआत हो चुकी है भाई साहब। कल हम यहाँ पे भी बैठे थे, हमने यहाँ पे स्टे किया था थोड़ी देर, निरंजनी घाट। यहाँ पे ना बहुत सारे घाटों के नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। अभी बोट का भी हमने, बोट वाला व्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, बोट में घूमे हम लोग। ए बाबा भभूति में लितपत, हर हर महादेव। बाबा अखबार पढ़ रहा है भाई। महा निर्वाणी घाट कल पूरा का पूरा घूमे थे हम लोग यहाँ पर, लेडीज चेंजिंग रूम। ये देखो कितनी बड़ी बोट बना रखी है, अभी इसका काम चालू है, बन रही है ये। ये बोट बन रही है भाई, बैठा भाई। ये बोट बना रहे हैं, बोट की कमाई। वाह भैया, कितने जन सवार हो सकता है अंकल इसके अंदर, कितने आदमी? 30 आदमी होगा। बबूल का लकड़ी है, कैरू का? बबूल का है। बबूल वाला वो नहीं है क्या? तीन पुस्तक चलाओ, तीन पुस्तक कमाओ। वो बहुत महंगा हो गया है ना? महंगा हो गया है वो लकड़ी, बबूल का यूज होता है। वाह भी वाह, नाव ऐसे बनता है। इसमें भी ठेकेदार सिस्टम चलता है भाई, मतलब नाव होगा एक बंदे का, जैसे मेरा, मैंने एक नाव खरीद लिया और उसके ऊपर मैं कारीगर छोड़ दूंगा, तो जितना भी भाड़ा बनेगा उसका आधा उस बंदे का जिसका मालिक है और आधा उसका जो बोट चला के गया। अभी हमने 200 रुपये दिए थे दो जन के, और तकरीबन पौने घंटे के, एक घंटे के लगभग हम लोग मतलब घूमे बोट के अंदर गंगा नदी में, तो 100 रुपये उसने आते ही मालिक को दे दिए और 100 रुपये उसके बन गए। तो यार मतलब उसकी बोट थी थोड़ी सी टूटी फूटी थी, लेकिन हमारा काम चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीन है भाई, सारी जगह बिजनेस चल रहा है, सारी जगह, चाहे आप ट्रांसपोर्ट में ट्रक लगा लो, या फिर सब्जी वाले की कोई ठेला लगा लो, या फिर कोई अगर गंगा नदी जैसे नदियों में घाट पर लगाओ तो ये नाव लगा लो, सारी जगह ऐसा ही सीन चलता है। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बीच बीच में चेंजिंग वो बना रखे हैं रूम, जहाँ पे आप लोग अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लोगे, कोई शर्म आ रही है तो किसी को। बाकी भाई शर्म की क्या बात है, भक्ति की जगह है, कुछ ना होता है ऐसा। ये है गुलरिया घाट, यार घाट तो बहुत सारे यहाँ पे। उसने बताया था कि 8 किलोमीटर मतलब घूमते रहो, 8 किलोमीटर के एरिए में ना आप लोगों को ये घाट ही घाट है। सबसे पहला घाट है 80 घाट, और लास्ट में एक जो रेलवे का पुल है ना वहाँ पे एक घाट है। तो इस दौरान जो बीच की दूरी है ना वो लगभग 8 किलोमीटर की है, लेकिन 8 किलोमीटर आप लोग घाट के ऊपर घूम सकते हो चलते चलते, बहुत लंबी दूरी है यार, 8 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और ये भी बता रहा था कि जब सावन का महीना आएगा ना तो ये पूरा डूब जाता है पानी में, यहाँ बिल्कुल पानी इन दीवारों के लग जाता है जाके, सीढ़ियाँ कोई भी सीढ़ी नहीं दिखती, रोड पर चला जाता है पानी। और ये सर्दी के समय में ही यहाँ पर पानी इतना नहीं है, जो कि बोट चल रही है, सर्दी के समय मोटर बोट चलती है, चाबुक वाली नहीं चलती। चलिए कोई पिंड दान करने हैं कुछ, अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, और मंदिर में फोन वगैरह सब कुछ जमा करवा के जाना पड़ेगा। फॉरनर लोग भी घूमने आते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे। और यहाँ पे वो घाट है जहाँ पे हमेशा चिताएं जलती रहती हैं,
ये देखिए अंदर भट्टी है, वो दिख रहा है ना गुंबद टाइप का, पूरी भट्टी है भाई। जाते समय हमने देखा था इसको, रात के समय पहुंचे थे तो जाते समय हमने देखा था इसको। स्पेन का अंकल ये है हरीशचंद्र घाट। वो देखो चल रही है भाई, ओम शांति, हरे राम हरे राम। आ गया वो चांद, चला गया वो हूर, चला गया। मोच निकाल दिया एक झटके में, एक झटके में मोच। वाह भी वाह, ठीक हो गया। चलते चलते मोच ठीक कर दिया भाई साहब ने। वाह भी वाह, बंदे होते ऐसे हो। मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, काशी विश्वनाथ। यहाँ आए थे भाई हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी। ये देखिए श्री भूमा अध्यात्म पीठ काशी, अमृत कलश वसुदेव कटुकुंभ कटुंबकम अशोक चक्र, यहाँ पे मोदी जी ने स्नान किया था। चलिए सब प्रक्रिया चल, गंगोत्री सेवा। कौन सी भाषा में लिख रखा है, शायद मलयालम या केरला। चाय ओनली 5 रुपीज। चाय नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट था छतरी के ऊपर, हमको लूट रहे नहीं वो भाई, छतरी के ऊपर लिखा था 5 रुपए, मतलब 5 किलोमीटर पर किलोमीटर कोई ट्रैवल का खर्चा होगा। तो मेरे को लगा कि भाई 5 रुपए की चाय दे रहा है, पूछा तो 20 रुपए की दे रहा था। मालाएं असली वाला रुद्राक्ष है क्या? हाँ है ना भैया, हाँ है रुद्राक्ष का माला है, फिला में भी है। असली नहीं है यार। अरे असली है भैया, पंचमुखी उद्राज का माला है। पंचमुखी तो एक ही होता है साल में। साल में एक पंचमुखी होता है। और क्या? कि एक मुखी होता है। हाँ एक मुखी। हाँ पंचमुखी तो सालों में बहुत बार होता है। ओए होए। अच्छा दो मुखी रुद्राक्ष माला। कोई पतला सा आइटम है क्या? बिल्कुल पतले, इतने पतला। हमने एक मतलब सोचा है कुछ ना कुछ।